अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेक्नो स्पार्क 4 मॉडल है इसका। तो अगर हम इसकी बैक पर मॉडल देखते हैं तो इसकी बैक पर मॉडल बनता है इसका, तो बैक मॉडल इसका बनता है KC2। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, यहाँ पर इसका जो ये चार्जिंग जैक है ये काम नहीं कर रहा, जब हम चार्जर लगाते हैं तो ये प्लग नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इसका आपने चार्जिंग जैक कैसे रिप्लेस करना है और इस फ़ोन की आपने बैक को कैसे रिप्लेस करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वसूल हो सके। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो सबसे पहले आपने दोस्तों इस फ़ोन की पावर जो है वो आपने ऑफ़ कर देनी है। तो मैं इस फ़ोन को ऑफ़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसको ऑफ़ कर लेना है। ऑफ़ करने के बाद आपने यहाँ पर इसकी ये सिम ट्रे है, सिम ट्रे को रिमूव करना है। सिम ट्रे को रिमूव करने के बाद आपने कॉर्नर पे इसके ब्लेड, या आपके पास ओपनर है तो उसकी मदद से आपने इस तरीके से इसको रिमूव कर लेना है। यहाँ से हल्का सा डालकर ब्लेड आपने पुश करना है तो आपकी ये थोड़ी सी बैक जो है ना रिमूव हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर इस तरीके से इसकी बैक को जो है आपने रिमूव कर लेना है। तो इस तरीके से आपने इसकी बैक को जो है वो रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पर ख्याल करना है, आपने फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है, ये आपका डैमेज ना हो, तो इसको आपने अपनी उंगली के साथ इस तरीके से प्रेस करना है ताकि आपका जो ये फिंगरप्रिंट की है आपका नीचे रह जाए। तो अब यहाँ पर इसके ये स्क्रू लगे हुए हैं, इनको मैं रिमूव करके तो वीडियो को दोबारा प्ले करता हूँ। इसके स्क्रू रिमूव करने के बाद यहाँ पर इसकी ये प्लास्टिक शील्ड लगी हुई है रिंगर की, तो इसको आपने रिमूव कर लेना है। और यहाँ पर इसका ये एंटीना जैक लगा हुआ है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। और इसकी ये यहाँ पर चार्जिंग स्ट्रिप लगी हुई है, ये आपने रिमूव कर लेनी है और इसको आपने रिमूव कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने इसका ये चार्जिंग जैक है इसको रिप्लेस करना है। तो इसको यहाँ पर ये कवर लगा हुआ है प्लास्टिक का, इसको रिमूव कर लेंगे और इसको हॉट एयर की मदद से इस जैक को रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पर आपने थोड़ी सी जो है पेस्ट लगा लेनी है ताकि आपका जो ये बोर्ड है हीटअप हो रहा है तो वो ज़्यादा हीटअप ना हो। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने इसके जैक को जो है वो रिमूव कर लेना है। यहाँ पर इस तरीके से आपने इसके जैक को रिमूव कर लेना है। तो अब आपने यहाँ पर जो ये चार्जिंग किट है इसके आपने ये होल है इनको आपने खाली कर लेना है। तो मैं इनको एम्प्टी करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने एम्प्टी कर लिया है। अब हम इसका ये नया चार्जिंग जैक है इसको यहाँ पर इसके जो पॉइंट हैं इनको सोल्ड कर लेंगे। ताकि हमारा जो जैक है वो अच्छे तरीके से वर्क कर सके तो इसको इस तरीके से आपने सोल्ड कर लेना है। तो अब हमने यहाँ पर इसके ये पॉइंट भी सोल्ड कर लिए हैं और इस जैक को यहाँ पर इसके हॉल में इस तरीके से फिक्स कर देंगे और इसको हम सोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से इसको सोल्ड कर लेंगे। तो मैं इनको सोल्ड करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। इस
तरीके से आपने इसको जैक को फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद आपने यहाँ पर इसके जो ये लगे हुए लॉक, इनको आपने अच्छे तरीके से फिक्स कर लेना है सोल्डिंग के साथ। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहाँ पर क्लीन कर लेते हैं यूज CTC। इस तरीके से आपने इसको क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो इसका चार्जिंग जैक है वो कंप्लीट यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब हम इस फ़ोन को चेक कर लेते हैं हमारा ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम पहले यहाँ पर जो हमने ये इसकी उतारी हुई है कवर, इसको फिक्स कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से फिक्स कर देंगे और इसके जैक को फिक्स कर देंगे और यहाँ पर इसका एंटीना जैक है इसको फिक्स कर देंगे और यहाँ पर इसको फिक्स कर लेंगे और इसके स्क्रू फिक्स कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसके स्क्रू फिक्स कर लेता हूँ। तो अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से फिक्स कर देंगे। ये हमारा फिक्स हो गया है। अब हम इस फोन को चेक कर लेते हैं हमारा ये चार्जिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर किया टेक्नो स्पार्क 4 KC2 का आपने चार्जिंग जैक कैसे रिप्लेस करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।